अगर आप लोग भी एसएससी एमटीएस की तैयारी करने लगे रहे हो और अपने आप को रीजनिंग के महारथी समझते हो तो ये क्वेश्चन देखिए, लुप्त संख्या को ज्ञात करें, यानी कि जैसे जिस टाइप से 3 का संबंध आपका 20 से है उसी टाइप से आप लोगों को ये फाइंड करना 7 का संबंध आपका इन 4 ऑप्शनों के अंदर से किसके साथ होगा। तो आप लोग खुद देखिए 3 का संबंध 20 से हो कैसे हो सकता है आपका, जैसे आप लोग खुद एक आइडिया ये भी लगा सकते हो 3 का संबंध 20 से, जैसे 3 गुणा में 6 कर दिया 3 6 18 और 18 प्लस में 2 कर दिया तो हो गया 20, ठीक है। लेकिन आप इसी के अंदर अगर आप ये वाली ट्रिक लगाओगे यानी कि 7 6 42, ठीक है, और 42 के अंदर अगर आप लोग 2 जोड़ोगे तो 44 आपका किसी भी ऑप्शन के अंदर नहीं है। आप लोग इसके अंदर 3 का अगर स्क्वायर कर दो, ये जो संख्या है 3 है, अगर आप इसका स्क्वायर कर दो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 9 के अंदर अगर आप लोग 1 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 10, और इस 10 को अगर 2 से गुणा कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा, ठीक है। उसी टाइप से आपको 7 का निकालना, जैसे 7 का स्क्वायर कर दोगे तो कितना हो जाएगा 49, ठीक है, 49 के अंदर 1 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 50, और 50 का अगर 2 से गुणा कर दोगे तो 100 है, वो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है।